हेलो स्टूडेंट्स, आज लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जेई में प्रीवियस ईयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपको इसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चंस का पीडीएफ कॉपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां जाकर डाउनलोड करो उसको पहले। और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर की भी दी हुई है, यहाँ पे 11 क्वेश्चन का एक सेट है जिसे आप डाउनलोड करके खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखो तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 1 में होगा, फॉर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग 2 माइनस साइन एक्स, ये कोई फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स। देन ये चार ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जी डैश जीरो इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग 2, जी डैश जीरो इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ लॉग 2, जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड जी डैश जीरो इक्वल टू माइनस साइन लॉग 2, एंड फोर्थ ऑप्शन है जी इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग 2 माइनस साइन एक्स दिया हुआ है, मॉड ऑफ लॉग 2 माइनस साइन एक्स दिया हुआ है। अब मॉड ओपन करेंगे तो वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा जब मॉड के अंदर फंक्शन पॉजिटिव होगा, और वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा जब मॉड के अंदर फंक्शन नेगेटिव होगा। क्लियर है? मॉड का पहले अलग से ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब एक्स टेंस टू जीरो होगा, जब एक्स टेंस टू जीरो होगा तो साइन जीरो का वैल्यू, साइन जीरो का वैल्यू जीरो के आसपास होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा। एक्स टेंस टू जीरो है ना, टेंस टू जीरो मतलब जीरो के आसपास, जीरो से बड़ा या फिर जीरो छोटा, तो ये साइन जीरो जीरो ही होगा। लॉग टू इससे ग्रेटर है तो ये फंक्शन लॉग टू माइनस साइन एक्स, मतलब जब x टेंस टू जीरो है तो log 2 ग्रेटर देन हो जाएगा साइन x से, और इस केस में मॉड के अंदर का फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। जब मॉड के अंदर का फंक्शन पॉजिटिव होगा तो एफ एक्स लिख सकते हैं, मॉड ऐसे ही हट जाएगा क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड लगाने ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू log 2 माइनस साइन x, ये आ गया फंक्शन एफ एक्स। अब जब ये फंक्शन एफ एक्स आ गया तो अब हम लोग देखेंगे जी एक्स, जी एक्स क्या है एफ ऑफ एफ एक्स, जी एक्स है एफ ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स, मीन्स एफ ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब लॉग टू माइनस साइन एक्स, एफ एक्स का मतलब लॉग टू माइनस साइन एक्स, और फिर एफ ऑफ दिस का मतलब लॉग टू माइनस साइन, और एक्स के प्लेस पर अब आ जाएगा लॉग टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए ये आ गया जी एक्स। अब ये जो फंक्शन है जी एक्स, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं डिफरेंशिएबल है आप देखो इसको। जब कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं होता है तो किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होने का चांसेस होता है, उस पॉइंट पर जहां पे या तो फंक्शन मॉड बना रहा है, या फिर फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, या फिर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, इस टाइप से। यहां पे ये जो फंक्शन है कहीं पे ऐसा मॉड फंक्शन नहीं है, कहीं पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, कहीं पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं जहां पे ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो फंक्शन आ गया, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, ऑलवेज कंटिन्यूअस है। क्लियर हो गया? तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। तो अब देखिए, अब फाइंड करना है जी डैश जीरो, जी डैश जीरो फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखो कि जी एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है एफ ऑफ एफ एक्स, जी एक्स इक्वल टू लिखा हुआ एफ ऑफ एफ एक्स। अगर यहाँ पे हम फाइंड करते हैं जी डैश एक्स, जी डैश एक्स ये होगा एफ डैश एफ एक्स इंटू फिर अंदर का फंक्शन चेन रूल से एफ डैश एक्स, एफ डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये आ गया जी डैश एक्स। अब जी डैश एक्स फाइंड करने के लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा एफ डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है एफ एक्स, इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये जो फंक्शन है एफ एक्स, इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं एफ डैश एक्स। तो यहाँ जो फंक्शन लिखा हुआ था एफ एक्स इक्वल टू लॉग टू माइनस साइन एक्स, ये फंक्शन लिखा हुआ था एफ एक्स इक्वल टू, इससे अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू लॉग टू, कॉन्स्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन जीरो, तो माइनस कॉस ऑफ एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स। क्लियर हुआ इतना? अब यहाँ से फाइंड करना है
जी जी डैश एक्स फाइंड करना है तो एफ डैश एक्स आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। अगर हम यहाँ पे जी डैश रखेंगे जीरो तो यहाँ पे एफ डैश जीरो आएगा, मतलब यहाँ पे एफ डैश जीरो फाइंड कर लेते हैं पहले। तो ये होगा एफ डैश जीरो इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ जीरो मतलब माइनस वन, ये एफ डैश जीरो आ गया। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ जीरो फाइंड करेंगे, ये देखेंगे क्योंकि हमको फाइंड करना क्या है जी डैश जीरो। तो जी डैश जीरो मतलब एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो एफ ऑफ जीरो आएगा, और एफ ऑफ जीरो यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, एफ ऑफ जीरो कितना आ रहा है लॉग टू माइनस साइन जीरो। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एफ ऑफ जीरो है लॉग टू, एफ ऑफ जीरो है लॉग टू। तो अब हम लोग लिख देते हैं जी डैश जीरो इक्वल टू, तो जी डैश जीरो इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश एफ जीरो इंटू एफ डैश जीरो। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ डैश एफ जीरो, एफ जीरो का वैल्यू है लॉग टू। तो यहाँ लिख सकते हैं एफ डैश लॉग टू इंटू, और एफ डैश जीरो का वैल्यू माइनस वन है, क्लियर, एफ डैश जीरो का वैल्यू माइनस वन है। तो अब देखिए ये f डैश log 2 है ना, तो f डैश x यहाँ पे है, f डैश log 2 करेंगे तो कितना आएगा माइनस कॉस log 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि जी डैश जीरो इक्वल टू आ जाएगा f डैश log 2, और f डैश log 2 का मतलब माइनस कॉस log 2, तो माइनस कॉस log 2 इंटू माइनस वन, तो ये आ जाएगा cos log 2। तो ये आ गया जी डैश जीरो। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है कि g डिफरेंशिएबल है cos ऑफ log 2, उसका g डैश जीरो है, तो g डैश जीरो इक्वल टू cos ऑफ log 2, यहाँ पे g डैश जीरो है माइनस साइन, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, डिफरेंशिएबिलिटी पर डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे यूज हुआ है। ओके अब क्वेश्चन नंबर टू, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट टू फेयर सिक्स फेस डाइस ए एंड बी बी थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ ई वन, इफ ई वन विद द इवेंट दैट डाई ए शोज अप फोर, ई टू विद द इवेंट दैट डाई बी शोज अप टू, एंड ई थ्री विद द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ डाइस इज ऑड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है ये बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दो गो डाइस है, दो गो डाइस है ए और बी, ठीक है, तो डाई ए में क्या क्या आ सकता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, डाई बी में क्या आ सकता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब इवन इवेंट, इवन क्या है, इवन इवेंट है कि डाई ए शोज अप फोर, इवन कैसा इवेंट है जिसमें डाई ए में फोर होना चाहिए, तो इसका कितना पॉसिबिलिटी हो जाएगा फोर वन फोर टू फोर थ्री फोर फाइव फोर सिक्स, ये छह पॉसिबिलिटी होगा। तो इवन लिख देते हैं, तो इवन आ जाएगा फोर वन फोर टू फोर थ्री फोर 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 फाइव एंड फोर सिक्स, ये आ जाएगा इवन, इवन इवेंट हो गया जिसमें फर्स्ट फेस में मतलब डाई ए में ये डाई ए है और ये डाई बी है, डाई ए में फोर शो हो रहा था, तो ये इवन हो गया। अच्छा ई टू लिख सकते हैं, ई टू लिख सकते हैं, ई टू क्या है कि डाई बी शोज अप टू, डाई बी में टू होना चाहिए, तो बी में टू होना चाहिए, तो फर्स्ट में तो कोई कंडीशन नहीं, तो वन टू 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 थ्री टू ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा डाई मतलब इवेंट टू का सिंपल स्पेस, तो वन टू 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 थ्री टू फोर टू फाइव टू एंड सिक्स टू, ये हो गया इवेंट टू का। अब इवेंट थ्री देखो, इवेंट थ्री क्या दिया हुआ है, इवेंट थ्री दिया हुआ है द सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ डाइस इज ऑड, दोनों डाइस में नंबर्स का सम ऑड होना चाहिए, तो नंबर्स का सम ऑड होना चाहिए, तो ऑड क्या क्या आ जाएगा वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन, ठीक है, क्योंकि दोनों में सम तो ट्वेल्व ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा अब दोनों में नंबर का सम वन तो नहीं हो सकता है, वन तो नहीं होगा, अब देखिए दोनों में नंबर का सम थ्री कैसे आएगा, दोनों डाइस में नंबर का सम थ्री आएगा वन कॉमा टू एंड टू कॉमा वन, इतना आएगा, ये क्लियर हुआ, टू वाला थ्री वाला क्लियर हो गया। अब दोनों में नंबर का सम फाइव होना चाहिए, तो फाइव कैसे कैसे आएगा वन कॉमा फोर, वन कॉमा फोर और टू कॉमा थ्री, उसके बाद थ्री कॉमा टू एंड फोर कॉमा वन, ये आ गया सम ऑफ फाइव। अब देखिए नंबर्स का सम सेवन, सेवन कितना तरीके से आ सकता है, नंबर्स का सम सेवन, तो सेवन आने के लिए क्या क्या आएगा वन कॉमा सिक्स होगा, वन कॉमा सिक्स
उसके बाद 2.5, उसके बाद 3.4, 4.3, 5.2 एंड 6.1, ये आ गया नंबर्स का सम 7। अच्छा आप देखिए नंबर्स का सम 9, नंबर्स का सम 9 कैसे कैसे आ सकता है, नंबर्स का सम 9 लाना है तो 9 कैसे कैसे आ सकता है, 1.1 से तो नहीं होगा, 2 से 2.6 ही बनेगा, 3 से, हाँ 3.6 आ जाएगा 9, तो 3.6 आ गया। फिर उसके बाद 4.5, फिर 5.4 एंड 6.3, ये चार तरीके से सम 9 होगा। अब 11 कैसे होगा, 11 11 आ जाएगा 5.6 एंड 6.5, ये इतना तरीके से दोनों डाइस में नंबर्स का सम और होना चाहिए, ये हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इंडिपेंडेंट इवेंट होना चाहिए, तो इंडिपेंडेंट इवेंट का क्या कंडीशन होता है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट का कंडीशन देखिए क्या होता है कि अगर कोई इवेंट E1 एंड E2 इंडिपेंडेंट है तो E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2 होता है, और अगर तीन इवेंट है E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 ये करेंगे तो P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E3 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन कि E2 और E3 इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो E2 और E3 इंडिपेंडेंट होने के लिए P ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 पहले फाइंड करते हैं, तो P ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 कितना आ जाएगा, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, तो E2 और E3 में कॉमन मतलब E3 तो है कि दोनों नंबर्स का सम ऑड है, तो E2 में ही खोज लेते हैं कि दोनों नंबर का सम ऑड किस में आ रहा है, देखिए 1.2 दोनों नंबर का सम ऑड है, ये भी नहीं होगा, 4 यहाँ 5 है, तो एक ये वाला एक ये वाला 2 और ये 5 + 2 = 7, तो 1, 2, 3 ये तीन ही एलिमेंट है जिसमें दोनों नंबर्स का सम ऑड आ रहा है, तो E2 इंटरसेक्शन E3 E2 इंटरसेक्शन E3 होगा ये 3, तो E2 क्या था कि सेकेंड डाइस में 2 होना चाहिए, और E3 क्या था कि दोनों डाइस का सम दोनों डाइस में नंबर का सम ऑड होना चाहिए, तो E2 इंटरसेक्शन E3 मतलब दोनों डाइस में नंबर का सम ऑड होगा और सेकेंड वाले में 2 होगा, ठीक है, E2 इंटरसेक्शन E3 का मतलब। तो यहाँ पे तीन एलिमेंट है 1, 2, 3, तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 3/36, क्योंकि जब भी दो डाइस को हम थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 36 होता है, तो ये हो गया 3/36 मतलब 1/12, ये हो गया P ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3। अब फाइंड करते हैं P ऑफ E2 कितना होगा एंड P ऑफ E3 कितना होगा, तो P ऑफ E2 में 6 एलिमेंट है, तो E2 होगा 6/36 मतलब 1/6 P ऑफ E3 में कितना एलिमेंट है, 18 एलिमेंट है E3 में, तो यहाँ लिख सकते हैं 18/36 मीन्स 1/2, तो ये हो गया E2 फाइंड कर लिए। अच्छा यहाँ पे E1 भी है ना, फोर्थ ऑप्शन में E1 भी है, इसमें E1 है तो P ऑफ E1 भी फाइंड कर लेते हैं, तो P ऑफ E1 कितना आ जाएगा, E1 में कितना एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो P ऑफ E1 आ जाएगा 6/36 मतलब 1/6, ये फाइंड हो गया। अब P ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 फाइंड कर लिए, तो अगर P ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 इक्वल टू हो जाएगा P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E3, तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट, तो P ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 आ गया 1/12। ओके तो अब फाइंड करते हैं P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E3, तो P ऑफ E2 है 1/6, P ऑफ E3 है 1/2, दोनों को इंटू करें तो 1/12 आ जाएगा, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है ना वो सही है, लेकिन यहाँ फाइंड करना है कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ट्रू हो गया कि हाँ E2 और E3 इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये ऑप्शन ट्रू है, कौन सा ऑप्शन गलत है ये बताना है। सेकेंड में है E1 E3, तो E1 E3 है तो हम लोग फाइंड करते हैं P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3, E1 इंटरसेक्शन E3 फाइंड करते हैं तो कितना आता है, देखिए E1 इंटरसेक्शन E3 मतलब E1 और E3 में कॉमन वाला जितना एलिमेंट होगा, तो E1 क्या है कि फर्स्ट में 4 होना चाहिए और E3 है कि दोनों में सम ऑड होना चाहिए, तो कम यही है, तो इसलिए E1 में ही देख लेते हैं कि किसका सम ऑड आ रहा है, ऐसा कितना एलिमेंट है, एक तो फर्स्ट वाला 4.1 जिसका सम ऑड आ रहा है, फिर 4.3 सम ऑड आ रहा है, 4.5 सम ऑड आ रहा है, ये तीन एलिमेंट है, तो E1 इंटरसेक्शन E3 हो जाएगा 3/36 मतलब 1/12, तो E1 इंटरसेक्शन E3 आ गया। अब P ऑफ E1 इंटू P ऑफ
E3, ये फाइंड करते हैं E1 into E3, तो P of E1 है, P of E1 है 1/6, P of E3 है 1/2, तो इनटू करेंगे तो 1/6 इनटू 1/2 इक्वल टू 1/12 आ गया, तो E1 और E3 भी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये ऑप्शन तो सही है, मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि E1 इंटरसेक्शन E3 ये इंडिपेंडेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ओके, अब देखते हैं थर्ड वाला है कि E1, E2, E3 आर इंडिपेंडेंट, तीनों देखना है, तो तीनों देखना है, तो यहाँ फाइंड करेंगे E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, ये तीनों फाइंड करेंगे, तो E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, मतलब तीनों में कॉमन एलिमेंट, ये तीनों में कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, तो देखिए कि सेकेंड वाला में जो E2 है वहाँ सेकेंड डाइस में 2 हो रहा है, और सेकेंड डाइस में 2 होने वाला, और थर्ड तो है कि थर्ड क्या है कि ऑड होना चाहिए, इसलिए सेकेंड वाले में ऐसा ढूंढते हैं जो ऑड, जो जिसका सम ऑड हो रहा है, और सेकेंड वाले में सेकेंड डाइस में 2 है, तो ऑड तो है 1, 2, 3, 2, 5, 2। अच्छा, अब फर्स्ट वाले से इंटरसेक्शन चाहिए, तो फर्स्ट वाला जो इवेंट है वो क्या था कि फर्स्ट डाइस में 4 होना चाहिए, तो ये तीन में से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जिसके फर्स्ट डाइस में 4 है, इसका मतलब ये तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो पी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 आ रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 0, लेकिन पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ E3 ये तीनों का प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा, ये कितना आएगा 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/2, मतलब 1/72 आएगा, तो 1/72 आएगा जो इसका इक्वल नहीं है, इसका मतलब E1, E2, E3 इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, तो ये जो इवेंट है E1, E2, E3 इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, तो यही क्वेश्चन बता रहा है, पूछ रहा था कि कौन सा ऑप्शन गलत है, सही नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, कि थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है, जो सही नहीं है, तो यही यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। क्लियर हुआ, तो ये जो क्वेश्चन था ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर का है, और इंडिपेंडेंट इवेंट बहुत ही आसान टॉपिक है, बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो वो दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी, वो दोनों का सेपरेटली प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन का इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो होप एक आप लोगों का अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इफ़ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 5A-B3-2, ये एक मैट्रिक्स है 2×2 मैट्रिक्स है, एंड A ऑफ एडजॉइंट A इक्वल टू A इंटू A का ट्रांसपोज ये दिया हुआ है, तो 5A+B का वैल्यू फाइंड करना है, ये चार ऑप्शन है, तो A तो दिया हुआ है 5A-B3-2, A का ट्रांसपोज कितना होगा, A का ट्रांसपोज होगा 5A, यहाँ माइनस बी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ट्रांसफर मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देना है, कॉलम को रो में चेंज कर देना है, ये ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, अब लिखा हुआ है A इंटू एडजॉइंट A, तो A इंटू एडजॉइंट A का मतलब कितना होता है, तो A इंटू एडजॉइंट A एक फार्मूला होता है जो होता है A का डिटर्मिनांट इंटू IN, मतलब A का डिटर्मिनांट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितना ऑर्डर का डिटर्मिनांट है, तो यहाँ पे A इंटू एडजॉइंट ऑफ A कितना होगा, A का डिटर्मिनांट इंटू IN, A का डिटर्मिनांट मतलब ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनांट कितना होगा, इसका डिटर्मिनांट होगा 10A+3B इंटू IN, IN मतलब 1001, ये हो गया, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं 10A+3B, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ से 10A+3B, ये हो जाएगा A ऑफ एडजॉइंट A। अच्छा, अब फाइंड करते हैं A इंटू A का ट्रांसपोज, तो A इंटू A का ट्रांसपोज ये होगा, A है मैट्रिक्स 5A, फिर यहाँ पे 3, 5A-B और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ये है मैट्रिक्स A, और A का ट्रांसपोज है 5A, यहाँ पे -B, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ये है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 5A इंटू 5A ये हो जाएगा 25A² और फिर +B², यहाँ पे हो गया, इस प्लेस पे हो गया। अब इसको इससे इंटू कर दिए, अब इसको इससे इंटू करें तो यहाँ पे आएगा, ये कितना आएगा 15A-2B, ये होगा 15A-2B। ओके, ये हो गया। अब इसको इससे इंटू करेंगे तो ये होगा 15A-2B, अब इसको इससे इंटू करेंगे तो 9+4 ये होगा 13, तो ये आ गया यहाँ पे।
अब ये दोनों इक्वल करना है क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ ए ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू ए इंटू ए का ट्रांसपोज, तो ये दोनों इक्वल मतलब ये दोनों जो मैट्रिक्स है इसको इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 10A प्लस 3B और फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10A प्लस 3B इक्वल टू होगा इसके जो लिखा हुआ है 25A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे 15A माइनस 2B, यहाँ पे भी 15A माइनस 2B और यहाँ पे 13, ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा। जब कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल होता है ऑर्डर सेम अगर है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 15A माइनस 2B इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 15A माइनस 2B इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और फिर सेकंड इक्वेशन लिख सकते हैं ये 10A प्लस 3B इक्वल टू 13, जो इस प्लेस पे एलिमेंट लिखा हुआ है 10A प्लस 3B इक्वल टू 13, ये हो गया इक्वेशन टू। तो ये इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को सॉल्व करते हैं, ये दोनों को सॉल्व करने से ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन वन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन हो जाता है 45A माइनस 6B इक्वल टू 0, और इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 20A प्लस 6B इक्वल टू 26। तो अब ये दोनों जो इक्वेशन है इसको ऐड करेंगे तो 6B और माइनस 6B कैंसिल हो जाएगा, 45 प्लस 20 ये हो जाएगा 65A इक्वल टू 26, ठीक है। तो यहाँ से A का वैल्यू आ जाएगा, देखिए तो A का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, A इक्वल टू आ जाएगा 26/65, तो A का वैल्यू आ गया 2/5, ठीक है। अब A का वैल्यू 2/5 आया तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन था इसमें रख देंगे तो B का वैल्यू मिल जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिखा हुआ है 15A माइनस 2B इक्वल टू 0, तो यहाँ से B का वैल्यू फाइंड करना है तो 2B इक्वल टू आ जाएगा 15A, तो B इक्वल टू आ जाएगा 15/2 इंटू A, और A कितना है, A है 2/5, तो यहाँ से आ जाएगा 3, तो B का वैल्यू 3 आ गया। A और B का जैसे वैल्यू आया हम फाइंड कर सकते हैं 5A प्लस B, तो 5A प्लस B इक्वल टू होगा 5 इंटू 2/5 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो 5A प्लस B का वैल्यू आ गया 5, जो यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट ऑप्शन, तो इसके हिसाब से ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। तो ये जो क्वेश्चन था ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट चैप्टर पे बेस्ड था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप बहुत ही आसान तरीके इसको बना सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ है, ओके। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द बुलियन एक्सप्रेशन पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू और क्यू और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ ये इज इक्विवेलेंट टू, ये किसका इक्विवेलेंट होगा ये देखना है, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू और क्यू, ये लिखा हुआ पहले ये तीन पार्ट, तो ये तीन पार्ट में ये इस चीज को हम लोग इसको एसोसिएटिव लॉ से एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा पी और क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू और क्यू, लिख सकते हैं ऐसा ना कि इसको पहले इससे फिर ये साइन फिर इसको इससे, ये लिखते हैं ये एसोसिएटिव लॉ से इसको एक्सपेंड कर दिया, तो यहाँ पे दिया हुआ है पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू और क्यू, ये दिया हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से बुलियन अलजेब्रा में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा पी और क्यू, फिर यहाँ पे एंड नेगेशन ऑफ क्यू और क्यू, ये हो गया। तो अब देखिए नेगेशन ऑफ क्यू और क्यू ये हमेशा ट्रू होता है, मतलब ये हमेशा ट्रू देगा, तो ये इसको लिख सकते हैं टॉटोलॉजी, मतलब कोई भी क्यू और नॉट क्यू, अगर मान लेते हैं क्यू ट्रू है, नॉट क्यू क्या होगा फॉल्स, और ट्रू और फॉल्स का और लगाना है और स्टेटमेंट, ये हमेशा ट्रू देगा ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि टॉटोलॉजी ये हमेशा ट्रू होगा, तो लिखेंगे पी और क्यू एंड यहाँ पे टॉटोलॉजी टी। तो अब देखिए पी और क्यू है और टॉटोलॉजी है, ये दोनों में एंड लगाएंगे एंड, तो पी और क्यू ही ना होगा क्योंकि टॉटोलॉजी मतलब हमेशा ट्रू, ये हमेशा ट्रू है, अगर ये फॉल्स होगा तो ट्रू और फॉल्स में एंड लगाएंगे तो फॉल्स हो जाएगा, मतलब इस पर डिपेंड कर रहा है, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं पी
और क्यू, ये आ गया, ये फर्स्ट जो तीन था, ये फर्स्ट तीन को सॉल्व करेंगे तो आ गया पी और क्यू। अब इसमें बाद में देखते हैं कि लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये लिखा हुआ है। तब ये जो दोनों है पी और क्यू, इसको हम कोई फंक्शन मानते हैं, इसको कोई अदर फंक्शन ये मानते हैं आर, इसको अगर हम आर मानते हैं तो ये क्या होगा आर, ये होगा आर और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये हो गया। इसको अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये आर और नेगेशन ऑफ पी होगा, आर और नेगेशन ऑफ पी होगा, फिर उसके बाद लगाएंगे एंड, ये वाला एंड, उसके बाद होगा आर और क्यू होगा, ठीक है इतना, बस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको स्पेंड कर दिया, ये आ गया। अब देखिए आर कितना दिया हुआ था, आर दिया हुआ था, आर दिया हुआ था पी और क्यू, तो यहाँ लिखेंगे पी और क्यू और नेगेशन ऑफ पी इतना, उसके बाद यहाँ पे एंड, आर मतलब पी और क्यू और क्यू, ये हो गया, ठीक है यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको देखते हैं कि ये किसका इक्वल आता है, इसको सॉल्व करने से कितना आता है ये देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ पी और क्यू और नेगेशन ऑफ पी, तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं कि पी और नेगेशन ऑफ पी और क्यू, बस इसको यहाँ पे ले आए और यहाँ पे एंड है और यहाँ पे लिखा हुआ पी, अच्छा पी और क्यू और क्यू, तो क्यू और क्यू है, दोनों और लगा हुआ है तो दोनों में से कोई एक ही लिख देंगे तब भी चलेगा, तो पी और क्यू यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ ये दोनों कि पी और नेगेशन ऑफ पी, तो पी और नेगेशन ऑफ पी क्या देगा हमेशा टॉटोलॉजी, तो पी और नेगेशन ऑफ पी हमेशा देगा टॉटोलॉजी, तो ये हो जाएगा टॉटोलॉजी और क्यू, ठीक है, और यहाँ पे एंड पी और क्यू, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ये टॉटोलॉजी और क्यू, क्योंकि यहाँ पे और है मतलब दोनों में से कोई भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, तो ये टॉटोलॉजी हमेशा ट्रू होता ही है, तो टॉटोलॉजी और क्यू में यहाँ पे ट्रू क्या होगा ये टी होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं ये हो जाएगा टॉटोलॉजी पूरा दोनों मिलके, और हो जाएगा ये एंड हो जाएगा पी और क्यू। अब एंड लगा हुआ ये टॉटोलॉजी और ये इसमें एंड लगाना है, तो इसका जो ट्रूथ टेबल है वो इसी पर डिपेंड करता है इसका क्या होगा, अगर ये ट्रू है ये ट्रू है दोनों में एंड क्या होगा ट्रू, ये ट्रू है ये फॉल्स होगा तो दोनों में एंड क्या होगा फॉल्स होगा, मतलब इस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये अब फाइनली आ जाएगा P और Q, तो ये जो एक्सप्रेशन था ये एक्सप्रेशन फाइनली आ गया P और Q का इक्विवेलेंट, तो P और Q यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ओके तो ये जो क्वेश्चन था ये बुलियन एक्सप्रेशन मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर से था, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको हार्ड क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, ये बनाया जा सकता था, होप आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे दिया हुआ है द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस इज, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जितना भी एक्स का वैल्यू होगा वो सारे एक्स का वैल्यू का सम ये चार में से कौन सा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू वन लिखा हुआ है, तो इक्वल टू वन कैसे कैसे आ सकता है, इक्वल टू वन कैसे कैसे आ सकता है, एक तो किसी भी नंबर का पावर जीरो करेंगे तब इक्वल टू वन आएगा, या फिर वन का पावर में कोई भी नंबर लिख देंगे तब ये वन आएगा, या फिर माइनस वन के पावर में कोई भी इवन नंबर रहेगा, इवन होना चाहिए तब भी ये वन आएगा, तो ये तीन तरीका है, ये तीन तरीका दिख रहा है आपको कि किसी भी नंबर के पावर जीरो करेंगे तब वन आएगा, या फिर वन के पावर में कुछ भी नंबर होगा तब वो वन आएगा, और माइनस वन के पावर में इवन होगा तब वो नंबर आएगा, ठीक है, तो मतलब ऑड नहीं होना चाहिए इसका पावर में, तो ये तीन तरीका। तो इसमें फर्स्ट केस में देखते हैं, फर्स्ट केस में इसमें कि पावर को जीरो करते हैं, और ये ध्यान देना आपको कि पावर जब जीरो करेंगे तो उस वैल्यू पर बेस जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी यहाँ पे नंबर रहेगा उसका पावर जीरो वन होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्सटी ये पावर है, इसको जीरो करते हैं, जब इसको जीरो करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्सटी इक्वल टू जीरो है, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्सटी इक्वल टू जीरो, और यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस टेन और एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो ये एक्स का वैल्यू आ जाएगा सिक्स और माइनस टेन, ठीक है, सिक्स और माइनस टेन, ये जो पावर जीरो आया है एक्स का जिस वैल्यू के लिए वो एक्स का वैल्यू अगर बेस में रखेंगे और वो जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू सिक्स अगर रखेंगे बेस में ये कितना आएगा सिक्स स्क्वायर थर्टी सिक्स प्लस फाइव फोर्टी वन माइनस
फाइव इंटू सिक्स 30, जीरो नहीं आएगा, सही है, तो x का वैल्यू 6 सही होगा। x का वैल्यू माइनस 10 रखेंगे तो माइनस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 105 और प्लस 50, ये भी जीरो नहीं आएगा, मतलब यहाँ पावर जीरो हो रहा है लेकिन बेस जीरो नहीं हो रहा है। x का ये दोनों वैल्यू सही है, ये दोनों होगा। ओके, सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड में है कि बेस 1 होना चाहिए, पावर कुछ भी हो ये 1 आ जाएगा, तो बेस को 1 करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 1 करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा। यहां से x का वैल्यू आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 4 एक फैक्टर बनेगा और x का वैल्यू आ जाएगा 1 और 4, तो x का दो वैल्यू आया 1 और 4। ओके, अब थर्ड में देखते हैं कि बेस माइनस 1 होना चाहिए और पावर पावर ऑड नहीं होना चाहिए, तो बेस को माइनस 1 करेंगे मतलब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू माइनस 1 करते हैं तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 2 और 3, x का दो वैल्यू आया 2 और 3, तो बेस में इस बेस को माइनस 1 करने से x का दो वैल्यू आया 2 और 3। अब x का इस वैल्यू पर पावर देखते हैं, पावर जिसमें इवन आएगा वही सही होगा, जिसमें पावर ऑड आएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो x का वैल्यू 2 अगर रखते हैं पावर में, x का वैल्यू 2, तो एट x इक्वल टू 2 तो पावर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 माइनस 60, तो 4 प्लस 8 12, तो 12 माइनस 60 ये आ जाएगा माइनस 48, जो इवन है, जो इवन है, क्योंकि पावर अगर माइनस 48 लिखेंगे तो ये कितना नंबर हो जाएगा 1 बाई माइनस 1 के पावर में 48, तो ये तो 1 हो ही जाएगा। तो ये जो x का वैल्यू है 2 ये ट्रू है। अगर x का वैल्यू 3 रखते हैं, x का वैल्यू 3, तो पावर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 12, तो 9 प्लस 12 ये हो जाएगा 21 माइनस 60, तो 21 माइनस 60 ये तो ऑड आ जाएगा, तो ऑड आ जाएगा तो x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता है। तो x का देखिए कितना वैल्यू आ गया, एक तो वैल्यू आ गया 6, एक वैल्यू आ गया माइनस 10, एक वैल्यू आ गया 1, एक 4 और एक 2। ये सब x का सारा वैल्यू को ऐड करेंगे तब कितना आएगा देखिए, तो ये ऐड करने सारा 6 और 6, 12 प्लस 1 13, 13 माइनस 10, तो 13 माइनस 10 इक्वल टू 3, तो सारा x का वैल्यू का सम आ गया 3, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन कि सारा x का वैल्यू का सम आ गया 3। तो ये भी आसानी क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन नहीं था, एक सिंपल इक्वेशन था, आपको देखना है कि 1 कैसे कैसे आएगा, तो होप आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है द सेंटर्स ऑफ दो सर्कल्स विच टच द सर्कल दिस एक्सटर्नली एंड ऑल्सो टच द एक्स एक्सिस लाई ऑन, मतलब एक ऐसा सर्कल जो इस सर्कल को एक्सटर्नली टच करेगा और एक्स एक्सिस को भी टच करेगा, तो उस सर्कल का सेंटर का लोकस क्या होगा, मतलब उस सर्कल का सेंटर कैसा कर्व होगा, तो लोकस फाइंड करना एक्चुअली में, तो एक रफ डायग्राम बनाते हैं, एक रफ डायग्राम बनाते हैं कि एक सर्कल होगा, ठीक है, एक सर्कल होगा जिसका सेंटर का लोकस फाइंड करना है, उस सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट एच कॉमा के मान लिया, जिसका लोकस फाइंड करना होता है जिस पॉइंट का उसको एच कॉमा के अज्यूम किया जाता है, तो ये हो गया उस सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लिया एच कॉमा के, ये सर्कल किसी गिवन सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो किसी गिवन सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो उस गिवन सर्कल सेंटर कितना होगा, माइनस 8x माइनस 8y है तो 4.4 होगा उस सर्कल का सेंटर, उस सर्कल सेंटर होगा 4.4 और इस सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा, इस सर्कल का रेडियस होगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 16 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 36 का रूट, तो 6 आ जाएगा, तो इस सर्कल का रेडियस है 6, तो ये जो सर्कल है गिवन इसका सेंटर पता हो गया, रेडियस पता हो गया। अब ये भी दिया हुआ था कि ये जो सर्कल है ये एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, ऐसा कुछ मान लिया कि ये एक्स एक्सिस होगा, जब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो इसका रेडियस होगा मॉड ऑफ के, तो यहाँ लिख सकते हैं मॉड ऑफ के इसका रेडियस, ठीक है। अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है उसका सेंटर दिया हुआ एच कॉमा के, तो उस सर्कल का रेडियस होगा इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट का मॉड, ठीक है, तो ये हो गया इसका रेडियस। तो अब यहाँ से हम लोग रिलेशन बना सकते हैं कि दोनों सर्कल का सेंटर का बीच का डिस्टेंस वो इक्वल होगा दोनों का रेडियस का सम का, क्योंकि दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये सेंटर C1 इसका सेंटर C2, तो C1 into C2 इक्वल टू 6 प्लस मॉड ऑफ K,
इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ से C1 C2 मतलब दोनों का सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये होगा रूट अंडर h माइनस 4 का स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का स्क्वायर, ये होगा 6 प्लस मॉड ऑफ k, ठीक है इतना। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ रूट हट जाएगा, तो h माइनस 4 का स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू इसका होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर होगा मतलब होल स्क्वायर होगा तो ये होगा 36 प्लस मॉड ऑफ k का स्क्वायर प्लस 12k, इतना आ जाएगा 12 ऑफ मॉड k आ जाएगा। तो ये आ गया दोनों साइड स्क्वायरिंग करने से। अब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं तो ये होगा h स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h, यहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k इक्वल टू 36 मॉड ऑफ k स्क्वायर, तो ये k स्क्वायर ही आएगा और प्लस 12 मॉड ऑफ k, इतना आ गया। अब ये k स्क्वायर और k स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से ये आ जाएगा h स्क्वायर, ठीक है, h स्क्वायर और माइनस 8h, h स्क्वायर माइनस 8h और 16 प्लस 16 32 और इधर 36 है ये इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 12 ऑफ मॉड k। अब k मॉड के साथ है तो मॉड हटाते हैं तो मॉड हटेगा, तो मॉड हटेगा एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट केस लेते हैं कि ये k पॉजिटिव है तो मॉड हटेगा प्लस साइन के साथ, और फिर यहाँ पे ये इक्वेशन में मॉड प्लस साइन के साथ हट जाएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस 8h माइनस 4 इक्वल टू 12k। तो ये जो इक्वेशन आ गया ये है, इसको इसका लोकस फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं h को x, x स्क्वायर माइनस 8h, 8x होगा माइनस 4 इक्वल टू 12y। तो ये जो इक्वेशन आ गया ये इक्वेशन है x में स्क्वायर और y में लीनियर। तो ऐसा इक्वेशन जब भी होता है तो ये हमेशा एक पैराबोला होता है, तो ये एक पैराबोला का इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला ये k का वैल्यू अगर नेगेटिव होता, सेकंड केस लेते हैं कि अगर k का वैल्यू नेगेटिव होगा तो यहाँ मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ और ये बन जाएगा h स्क्वायर माइनस 8h माइनस 4 इक्वल टू माइनस 12k, ठीक है। तो यहाँ भी h को x रखेंगे लोकस फाइंड करने के लिए, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 12y। तो ये इक्वेशन दूसरा इक्वेशन आ गया, यहाँ भी y लीनियर है और x में क्वाड्रेटिक है, तो ये भी क्या हो गया एक पैराबोला। तो इसका मतलब जो सेंटर का लोकस है, सेंटर का लोकस हमेशा पैराबोला आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये होगा थर्ड ऑप्शन। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से? तो ये कॉनिक सेक्शन का पैराबोला सर्कल यही सब का क्वेश्चन था, और ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसानी था, आप इसे अच्छे से बना सकते हो। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है इफ ऑल द वर्ड विद और विदाउट मीनिंग हैविंग 5 लेटर्स फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्मॉल एंड अरेंज एज इन अ डिक्शनरी देन द पोजिशन ऑफ द वर्ड स्मॉल इज, मतलब स्मॉल में जितना भी लेटर्स है उसको अरेंज करके वर्ड बनाना है, उसका मीनिंग हो या ना हो, विद और विदाउट मीनिंग, उसे अगर डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो स्मॉल ये वर्ड आने का कितना नंबर पर पोजिशन होगा, मतलब ये वर्ड आएगा तो इसका कितना नंबर पर आएगा ये बताना है, ठीक है। तो स्मॉल जो वर्ड लिखा हुआ है उसमें जो भी लेटर्स लिखा हुआ है उसको हम देखते हैं कि पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा ए, उसके बाद आएगा एल, उसके बाद आएगा एम, उसके बाद आएगा एस। तो ये आ गया, अब तो एल दो को एल है, ठीक है। तो अब देखिए जो जब भी डिक्शनरी में हम वर्ड को अरेंज करते हैं तो जब भी डिक्शनरी देखते हैं तो ऊपर में सबसे अल्फाबेटिकली जो पहले होता है उसका वर्ड लिखा रहता है, उसके बाद अल्फाबेटिकली उसके बाद जो भी लेटर आता है उससे स्टार्टिंग होने वाला वर्ड रहता है। तो स्मॉल में सबसे स्टार्टिंग लेटर एस है जो अल्फाबेटिकली ए एल एम के बाद आ रहा है, इसका मतलब जब भी डिक्शनरी में ये अरेंज होगा तो सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा, उसके बाद एल से स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा, उसके बाद एम से स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा बहुत सारा, उसके बाद एस से स्टार्ट होने वाला वर्ड आएगा, ठीक है। तो अब देखिए स्मॉल में 5 लेटर्स है, तो 5 लेटर है तो 5 प्लेस होगा इस लेटर को फिल करने का या फिर अरेंज करने का। तो स्टार्टिंग करते हैं
ए से, अगर ए स्टार्टिंग में होगा तो ये चार प्लेस, चार पोजीशन है और चार लेटर बचा हुआ है। क्या क्या बचा हुआ है? दो को एल बचा हुआ है, एक एम बचा हुआ है, एक एस बचा हुआ है। इसको, ये चारों लेटर को ये चारों पोजीशन में अरेंज करेंगे तो ये आएगा, ये आएगा। इसमें ये चारों में चारों का चारों डिफरेंट नहीं है, दो को एल है। तो सेम वाला का ये अरेंजमेंट होता है, जैसे यहाँ 4 factorial by दो को सेम है तो 2 factorial। ये चार लेटर है, चार पोजीशन है, अरेंज करना है, लेकिन वो उसमें से दो सेम है तो इसका अरेंजमेंट होगा 4 factorial by 2 factorial, मतलब ये कितना आ जाएगा 12। तो इतना वर्ड होगा जो ए से स्टार्ट होगा। अब L से स्टार्ट करना है। L से जब स्टार्ट करेंगे तो L स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद चार प्लेस बचा हुआ है और चार डिफरेंट लेटर्स बचा हुआ है। जो चार डिफरेंट लेटर बचा हुआ क्या क्या है? एक A है, एक L है, एक M, एक S। ये चारों का चारों डिफरेंट है। जब चारों चारों डिफरेंट है, इसका नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ अरेंजमेंट 4 factorial ही होगा। तो 4 factorial मतलब 24। अब देखते हैं कि M से स्टार्ट होने वाला कितना वर्ड बन रहा है। जब M से स्टार्ट करेंगे, M से स्टार्टिंग में M आ जाएगा, उसके बाद चार पोजीशन और चार लेटर, जो भी चार लेटर बचा हुआ है उसमें दो को L है, दो सेम है, तो इसका अरेंजमेंट होगा 4 factorial by 2 factorial। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 12, ये 12 आ गया। अब स्टार्ट होगा एस से, तो एस वाला सारा जो वर्ड है वो कंप्लीट नहीं है, वो कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि इसी में हमको स्मॉल वर्ड मिलेगा। तो जब भी स्टार्टिंग में एस हो जाएगा, स्टार्टिंग में एस, तो उसके बाद स्टार्टिंग में एस आ गया, उसके बाद कौन सा लेटर आएगा अल्फाबेटिकली? जब स्टार्टिंग में एस रख दिए तो जो बचा हुआ है, क्या क्या बचा हुआ है? एक ए बचा हुआ है, दो एल बचा हुआ है, एक एम बचा हुआ है। जो बचा हुआ है उसमें से जो अल्फाबेटिकली पहले होगा वही यहाँ पे आएगा। तो एस के बाद क्या आ जाएगा? एल, ए ए आ जाएगा। एस के बाद आ जाएगा ए। तो जब इसके बाद ए आएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या? एस के बाद एम। तो एस के बाद ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा? एस के बाद एल आएगा, उसके बाद क्या आएगा? एस के बाद एम आएगा। ठीक है, तो अब देखिए एस के बाद जब ए आएगा तब ऐसा कितना वर्ड बनेगा, क्योंकि हमको चाहिए नहीं एस के बाद ए, हमको तो चाहिए एस के बाद एम। तो एस के बाद ए रहेगा सेकेंड लेटर, वो सारा वर्ड काउंट कर लेना है कितना होगा। तो जब ये दो प्लेस फिल हो गया और तीन प्लेस फिल करना है, तो तीन प्लेस फिल करना है और लेटर्स क्या क्या बचा हुआ है? दो एल बचा हुआ है और एक एम बचा हुआ है। तो तीन प्लेस, तीन लेटर, उसमें से दो सेम, तो इसका अरेंजमेंट होगा 3 factorial by 2 factorial। तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, 6 by 2 3। अब स्टार्टिंग में एस रहेगा, उसके बाद एल रहेगा, उसके बाद तीन लेटर बचा हुआ है, एक ए, एक एल, एक एम, और तीन प्लेस बचा हुआ है, तीनों लेटर डिफरेंट है, तो ये होगा 3 factorial मतलब 6। अब ए, एस के बाद एम आ गया, अब अल्फाबेटिकली क्या आएगा? एस के बाद एम आ गया, तो जो बचा हुआ है क्या क्या बचा हुआ है? एक ए बचा हुआ है और दो एल बचा हुआ है। उसमें से जो अल्फाबेटिकली पहले आता है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, एस के बाद एम, एम के बाद अल्फाबेटिकली जो पहले है, जो बचा हुआ उसमें से, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। जैसे यहाँ पे ए आएगा, उसके बाद क्या बचा हुआ है? दो एल बचा हुआ है, दोनों एल तो सेम है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसीलिए यहाँ भी एल होगा, यहाँ भी एल होगा, ये एक। ठीक है, मतलब इसके बाद ये एक ही तरीका से ऐसा लिख सकते हैं। तो ये मिल गया स्मॉल जो चाहिए था। तो अब सबको काउंट कर लेते हैं सब कितना हो रहा है। तो सबको काउंट करेंगे तो 12 plus 12 24 24 48 48 और 9 57। 57 यहाँ पे और एक ये, तो टोटल 58 हो गया। तो स्मॉल जो वर्ड है उसका पोजीशन डिक्शनरी में 58 होगा, तो 58 ऑप्शन है थर्ड वाला। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये डिक्शनरी प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, ये परमुटेशन कम्बिनेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो होप आप लोग ये अच्छे से समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डॉट डॉट अप टू 3n बाई n टू द पावर 2n होल पावर में 1/n, ये लिखा हुआ है और n टेंस टू इन्फिनिटी है, इसका वैल्यू बताना है ये चारों में से कौन सा होगा। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन को, पूरा एक्सप्रेशन को कोई वैल्यू या तो p या तो y अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि ये है y इक्वल टू, तो y इक्वल टू लिखेंगे तो ये होगा लिमिट
एन टेंस टू इन्फिनिटी, ओके ये है एन प्लस वन, यहाँ पे ये एन प्लस टू, नेक्स्ट होगा एन प्लस थ्री अप टू थ्री एन है, तो इसको लिखेंगे एन प्लस टू एन, ठीक है डिवाइडेड में, डिवाइड में। तो अब देखिए ये टोटल कितना टर्म है, ये पूरा के पावर में वन बाई एन रहने देते हैं। अब ये टोटल कितना टर्म होगा, एक दो तीन, कितना टर्म होगा एन के बाद, एन प्लस वन है एन प्लस टू है, मतलब वन से स्टार्ट हो रहा है वन टू थ्री, कहाँ तक जा रहा है एन प्लस टू एन, तो इसमें टोटल टू एन टर्म है, टोटल टू एन टर्म है, यहाँ पे डिवाइड में एन के पावर टू एन है, ठीक है। तो अगर ये n इंटू एन इंटू एन कर दे तो सारे टर्म में, सारे टर्म के डिवाइड में n n n आ जाएगा, क्योंकि टोटल 2n टर्म है, तो ये n इंटू एन इंटू एन अप टू 2n, तो ये होगा n टू द पावर 2n। तो सब में सारे टर्म को अलग अलग डिवाइड दे सकते हैं n से, ओके okay, अब यहाँ पे क्योंकि पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉग लगाते हैं, लॉग ऑफ बेस e, तो दोनों साइड लॉग लगाएंगे, तो ये होगा लॉग ऑफ y इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ओके। तो अब ये जो पावर है, लॉग लगाते हैं तो ये पावर इंटू में आ जाता है, तो ये होगा वन बाई एन, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग एन प्लस वन बाई एन इंटू एन प्लस टू बाई एन इंटू एन प्लस थ्री बाई एन अप टू एन प्लस टू एन बाई एन, ये आ गया, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद लॉग में जब इंटू होता है, लॉग में, अच्छा ठीक है, लॉग में जब इंटू होता है तो ये लॉग, जैसे लॉग एम इंटू एन है तो लॉग एम प्लस लॉग एन, ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं log of y इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ओके वन बाई एन लॉग, वन बाई एन लॉग यहाँ पे होगा, अच्छा ये तो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो n बाई एन प्लस वन बाई एन, तो इसको लिख सकते हैं वन प्लस वन बाई एन प्लस, ये होगा log वन प्लस टू बाई एन प्लस वन प्लस थ्री बाई एन प्लस अप टू, ये होगा वन प्लस टू एन बाई एन, ठीक है इतना इतना लिख सकते हैं इसे। अब इसी चीज को, ये जो चीज लिखा हुआ है इसको समेशन, ये इस चीज को समेशन बना के भी हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट का लाइन होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा log y इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई एन, और इसे लिखेंगे समेशन ऑफ log वन प्लस आर बाई एन, जहां r का वैल्यू वन से टू एन तक होगा, ठीक है ये समेशन लगा दिया, तो समेशन ऑफ log वन प्लस आर बाई एन, आर का वैल्यू वन से टू एन, तो वन प्लस वन बाई एन, वन प्लस log वन प्लस टू बाई एन, log वन प्लस थ्री बाई एन, प्लस प्लस आते जाएगा और टू एन तक है, तो log वन प्लस टू एन बाई एन, जो ये वाला है, ठीक है लिख दिया। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, क्योंकि ये है इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम वाला प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम में करते क्या है, r बाई एन के प्लेस पर, r बाई एन के प्लेस पर x लिखते हैं, 1 बाई एन ये dx में चला जाता है और ये समेशन इंटीग्रेशन बन जाता है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं r बाई एन इक्वल टू x, तो यहाँ से आएगा 1 बाई एन बन जाएगा dx में, तो 1 बाई एन इंटू डी आर ये चल जाएगा dx बनने में। तो अब लिमिट देखते हैं, जब लिमिट का वैल्यू, लोअर लिमिट 1 रखेंगे और n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो 1 बाई एन एन टेंस टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा 0, तो यहाँ लिख सकते हैं log of y इक्वल टू लिमिट लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2n है, r का वैल्यू 2n है, अपर लिमिट जब रखेंगे 2n तो 2n बाई एन ये कितना होगा 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो अपर लिमिट आ गया 2, और यहाँ पे आ जाएगा log 1 प्लस x इंटू डी एक्स, तो log 1 प्लस x इंटू डी एक्स 0 से 2, यही है log y का वैल्यू जो लेफ्ट साइड जूम किए थे। तो जब यहाँ पे ये फंक्शन आ गया इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, ये लॉगरिथम फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा log y इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू इंटू एक्स होगा, क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और सेकंड फंक्शन होगा 1 हो जाएगा सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहने देते हैं एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस माइनस
फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन log ऑफ 1 बाय x मतलब 1 बाय 1 प्लस x इंटू x इंटू dx, ये आ गया। अब यहाँ पे लिमिट, इस प्लेस पर लिमिट रख देना है 0 से 2 और यहाँ इंटीग्रेशन 0 से 2 आएगा। अब इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा log ऑफ y, log ऑफ y इक्वल टू अपर लिमिट जब रख देंगे तो 2 इंटू log 3, 2 इंटू log 3 माइनस 0, तो माइनस 0 खत्म हो जाएगा, ये यही बच गया माइनस माइनस। अब वो इंटीग्रेशन वाला, तो इंटीग्रेशन वाला क्या लिखा हुआ है 0 से 2 x बाई 1 प्लस x इंटू dx, ये लिखा हुआ है। उसको सॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 करते हैं। जब प्लस 1 माइनस 1 करेंगे ये आ जाएगा log ऑफ y इक्वल टू 2 log 3 माइनस 0 से 2 इंटीग्रेशन 0 से 2 x प्लस 1 बाई 1 प्लस x मतलब 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस x इंटू dx, क्लियर है, ये आ जाएगा। ओके okay, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये होगा log y इक्वल टू 2 log 3 माइनस यहाँ पे 1 इंटू dx, तो ये तो आ जाएगा x माइनस 1 बाई 1 प्लस x मतलब log ऑफ 1 प्लस x और यहाँ पे लिमिट होगा 0 से 2, ठीक है। अब इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं कि लिमिट रख देना है, जब लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे, तो अब यहाँ से लिख सकते हैं log ऑफ y इक्वल टू 2 log 3 माइनस अपर लिमिट रखेंगे तो 2 माइनस log 3, ये होगा 2 माइनस log 3, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0 तो 0 माइनस log 1 तो ये 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा log ऑफ y इक्वल टू 2 log 3 माइनस 2 प्लस log 3, तो यहाँ से आ जाएगा log ऑफ y इक्वल टू 2 log 3 प्लस log 3, 3 log ऑफ 3 माइनस 2, ठीक है। इस चीज को लिख सकते हैं 3 जब यहाँ पावर में जाएगा तो log 27 माइनस 2 को लिख सकते हैं log e स्क्वायर, ठीक है, log 27 माइनस log e स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा log 27 बाई e स्क्वायर और इधर था log ऑफ y, ओके, तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 27 बाई e स्क्वायर। तो ये चीज कि y का वैल्यू, y इसी को पूरा फंक्शन का एज्यूम किए थे, तो यहाँ y का वैल्यू आ गया 27 बाई e स्क्वायर जो यहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। तो ये क्वेश्चन लिमिट का था और n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये अच्छा क्वेश्चन था, आप इससे बना सकते थे, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस इज इक्वल टू 16m/5, इस सीरीज का 10 टर्म का सम है 16m/5, देन फाइंड m, ओके, m का वैल्यू फाइंड करना है और ये चार ऑप्शन है। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, ये होगा 5 इंटू 1 प्लस 3 8/5, ये होगा 8/5 का स्क्वायर प्लस ये होगा 12/5 का स्क्वायर प्लस ये होगा 16/5 का स्क्वायर प्लस, जब सबके डिवाइड में 5 है तो यहाँ भी 4 को लिखेंगे 20/5, ओके, तो 20/5 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 24/5 का स्क्वायर और इसी तरीके से अप टू 10 टर्म या फिर ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब ये जो चीज आया है यहाँ पे ऊपर से सब में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर और नीचे से 5 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं सब में तो ये बचेगा 4 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अप टू ऐसे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये 16/25 आ गया। अब इसका 10 टर्म का सम चाहिए, 10 टर्म का सम चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी 10 टर्म होगा, 10 टर्म जहाँ भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि अप टू 10 का स्क्वायर तक 10 टर्म का सम फाइंड करना था, तो 10 टर्म का सम फाइंड करेंगे तो ये एक्चुअली में 11 तक जाएगा ना, 11 तक, क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है, 10 टर्म तक जाना है, तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 से लेकर 11 तक, तो 11 का स्क्वायर तक आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 1 का स्क्वायर ऐड किए और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किए, तो इससे फायदा क्या हुआ कि 1 से लेकर 11 तक, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 11 तक, तो 1 तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का फार्मूला होता है अप टू n टर्म तक,
नेचुरल नंबर का अप टू एन टर्म तक सम का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ये नेचुरल नंबर का एन टर्म का नेचुरल नंबर का स्क्वायर का एन टर्म का समेशन होता है। तो यहाँ पे वन से स्टार्ट कर रहे हैं तो वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर टू इलेवन स्क्वायर। तो ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम है कहाँ तक, वन से लेकर इलेवन तक। तो यहाँ पे इलेवन रखेंगे लेकिन यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर है तो माइनस वन का स्क्वायर लिखेंगे अभी। और यहाँ पे एन का वैल्यू कितना रखेंगे, इलेवन, क्योंकि यहाँ वन से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हो जाएगा सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फाइव, इलेवन रखेंगे, इलेवन इंटू ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी थ्री बाई में सिक्स माइनस वन। अब ये सिक्स से ट्वेल्व को कट कर देंगे टू टाइम्स एंड यहाँ बन जाएगा सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फाइव। ओके, तो ये होगा ट्वेंटी थ्री इंटू ट्वेंटी टू, ये इंटू कर लेते हैं कितना आता है, तो ये इंटू करके आता है फाइव जीरो सिक्स। तो ये होगा फाइव जीरो सिक्स माइनस वन मीन्स फाइव जीरो फाइव। ओके, तो ये हो जाएगा सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव जीरो फाइव। ये जो चीज आया है ये अब किसको इक्वल होगा, सिक्सटीन बाई फाइव इंटू एम। तो ये दिस इज इक्वल टू सिक्सटीन एम बाई फाइव। ठीक है, अब यहाँ से सिक्सटीन और सिक्सटीन कट जाएगा तो यहाँ से 5 और ये 25 5 टर्म्स में कटेगा और इस 5 से कट कर सकते हैं 505 को 101। तो यहाँ से क्लियरली m का वैल्यू आ गया 101। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था सीरीज का, सीक्वेंस सीरीज का, और ये बहुत आसान तरीके से, बस आपको ये ध्यान रखना था कि वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर अप टू इलेवन स्क्वायर तक सम का फार्मूला होता है। ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। और इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल गिवन बाय द इक्वेशन दिस, इस सर्कल का एक डायमीटर इज अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एस, किसी सर्कल एस का कॉर्ड होगा व्हिच सेंटर इज एट माइनस थ्री कॉमा टू, उस सर्कल का सेंटर ये है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एस। तो सर्कल जो एस है उसका रेडियस फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो कि ये जो सर्कल है इस सर्कल को मान लेते हैं कि ये सर्कल ये है जिसका सेंटर दिया हुआ है, जिसका सेंटर है टू कॉमा माइनस थ्री, जिसका सेंटर है टू कॉमा माइनस थ्री, और इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा फोर प्लस नाइन प्लस ट्वेल्व मीन्स ट्वेंटी फाइव का रूट। ओके, फाइव, तो इसका रेडियस हो जाएगा फाइव। ठीक है, इसका रेडियस फाइव है। अब इस सर्कल का कोई एक डायमीटर, ओके, इस सर्कल का कोई एक डायमीटर किसी सर्कल एस का, किसी सर्कल एस का एक कॉर्ड होगा। तो किसी सर्कल एस मान लेते हैं कि ये सर्कल कुछ एस होगा, इसे इस सर्कल का कॉर्ड है वो डायमीटर। ठीक है, तो ये जो सर्कल है इस सर्कल का सेंटर दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है माइनस थ्री कॉमा टू, सेंटर दिया हुआ माइनस थ्री कॉमा टू, और इसका रेडियस फाइंड करना है। ठीक, तो इस सर्कल के सेंटर को यहाँ से ज्वाइन कर दिए, फिर यहाँ से ज्वाइन कर दिए। ठीक है, तो जब कॉर्ड है, कॉर्ड है तो इस ये सेंटर है उस सर्कल का, तो वो होगा उस डायमीटर का मिड पॉइंट, और इस सेंटर से उस कॉर्ड को ज्वाइन किया गया है। तो अब ये सर्कल का ये कॉर्ड है और सेंटर से कॉर्ड का मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया है, तो ये तो परपेंडिकुलर होगा, क्लियरली ये परपेंडिकुलर होगा। और ये जो चीज था ये वाला, ये क्या था, उस सर्कल का रेडियस था, उस सर्कल रेडियस था जो कितना आया था फाइव। तो ये तो लेंथ हो गया फाइव, ठीक है, ये लेंथ हो गया फाइव। इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस मान लेते हैं आर होगा, और ये दोनों का पॉइंट का बीच का डिस्टेंस हो जाएगा ये लेंथ। तो ये जो लेंथ है ये मानते हैं कि ये है ओ, जो सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, यहाँ पे मानते हैं कि ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू। तो ओपी का लेंथ फाइंड करते हैं, ओपी का लेंथ कैसे आएगा, ओपी का लेंथ आएगा डिस्टेंस फार्मूला से, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला से ओपी का लेंथ आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, थ्री, ओके, ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव, ओके, ये होगा रूट अंडर फिफ्टी, मतलब फाइव रूट टू, गुड। तो ये आ गया ओपी का लेंथ आ गया फाइव रूट टू, ओके, तो ये हो गया फाइव रूट टू। अब फाइंड करना आर, तो ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू फाइव का स्क्वायर प्लस फाइव रूट टू का स्क्वायर होगा। सो आर स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव प्लस फिफ्टी मीन्स
75, ओके okay? तो R इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर 75 मींस 5√3, ओके okay? तो ये जो सर्कल S था, ये जो सर्कल S था, उस सर्कल S का रेडियस आ गया 5√3, जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था सर्कल चैप्टर से, ये मतलब कॉनिक सेक्शन में आता है, कॉनिक सेक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल सकते हैं एक, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल से बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ओके okay? तो हो आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, मैन इज वॉकिंग टुवर्ड्स अ वर्टिकल पिलर इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ओके, एट अ सर्टेन पॉइंट ए ऑन द पाथ ही ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर इज 30 डिग्री। किसी पॉइंट से किसी टावर के टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। आफ्टर वॉकिंग फॉर 10 मिनट्स फ्रॉम ए इन द सेम डायरेक्शन एट ए पॉइंट बी ही ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर इज 60 डिग्री, ओके, देन द टाइम टेकन इन मिनट्स By him from B to reach the pillar is find करना ये। तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसका डायग्राम बनाने से बहुत आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन है, क्या करना है, क्या दिया हुआ है, ओके okay? तो जस्ट सपोज दैट कि ये एक पिलर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल ये प्लेन होगा जिसमें एक पिलर है, ये एक पिलर है, ओके okay? ये पॉइंट कुछ ए होगा, तो पॉइंट ए से जब मैन इसके टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसको मिला 30 डिग्री। अब इसी प्लेन में, इसी लाइन में, स्ट्रेट पाथ में किसी पॉइंट बी पर आ चुका है वो, जब बी पर आया तब इस ये टॉप पिलर के टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन मिला 60 डिग्री, ओके। तो यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा इसको, 10 मिनट, ओके, इसका यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा 10 मिनट, ओके, यहाँ से यहाँ तक टाइम फाइंड करना है, ओके, ये टाइम इसको फाइंड करना है। अब ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि इसका स्पीड कुछ होगा वी, ठीक है, इसका स्पीड कुछ होगा v और इसका टाइम का यूनिट होगा मिनट में, तो इसका स्पीड होगा v, तो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस आया होगा, 10 मिनट में डिस्टेंस आया होगा 10 v, ओके। अब यहां से टाइम t दिया हुआ है, ओके, तो अब यहां पे देखिए टाइम t दिया हुआ है, स्पीड v है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा ये यहां से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा v इंटू t, ठीक है, ये डिस्टेंस होगा v इंटू t, क्योंकि ये 10 मिनट में 10 v है, ये डिस्टेंस हो जाएगा v t, क्योंकि टाइम t है, स्पीड v है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस पिलर का हाइट नहीं दिया हुआ है, इस पिलर का हाइट मान लेते हैं h, ओके, इस पिलर का हाइट h है, तो फाइंड क्या करना है कि b से इस पिलर का इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ओके तो अब देखिए, जब सबसे पहले हम छोटा सा ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये पॉइंट P अगर है, पी बी ओ, इस ट्रायंगल में tan 60 लगाते हैं, इस ट्रायंगल में tan 60 लगाएंगे तो ये होगा tan 60 इक्वल टू h बाई वी टी, ठीक है, tan 60 इक्वल टू h बाई वी टी, तो यहाँ से मिल जाएगा h इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा h इक्वल टू tan 60 के वैल्यू √3 आ जाएगा, तो ये होगा √3 vt, ये h इक्वल टू आ गया। अब ये बड़ा ट्रायंगल में ओ, ये पी ए ओ, इस ट्रायंगल में लगाते हैं tan 30, तो tan 30 डिग्री होगा h बाई ये पूरा कितना है वी टी प्लस tan v, इतना लिखा हुआ है वी टी प्लस tan v, ओके okay, अब यहाँ tan 30 का वैल्यू है 1 बाई √3 h, h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू √3 vt, ओके, डिवाइड में है vt प्लस tan v, इतना क्लियर। अब यहाँ से v कॉमन लेंगे ऊपर और नीचे से, इसको कट कर देंगे तो ये होगा 1 बाई √3 इक्वल टू √3 t बाई t प्लस tan, क्लियर। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा t प्लस 10 इक्वल टू होगा 3t, √3 × √3 ये 3t हो जाएगा, ये इधर जाएगा 2t इक्वल टू 10, सो वी गेट t इक्वल टू 5 मिनट्स। तो यहाँ से टाइम फाइंड करना था, ये t अज्यूम किए थे कि b से o तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ टाइम आ गया 5 मिनट्स, जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन 5 मिनट, ओके। तो ये क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का, और हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का क्वेश्चन आसान होता है, बस आप एक बार अच्छे से डायग्राम बना लो तो क्वेश्चन आधा ज़्यादा सॉल्व हो जाता है, और जो भी रेशियो होता है साइन कॉस टैन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो लगाना है, और फिर
फाइंड कर लेना, जो नहीं दिया है उसको एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा जो भी वेरिएबल एज्यूम करना है उसके हिसाब से। तो होप आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आएंगे, और ये जो 11 क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो ये लेक्चर था ये आपको अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट था, और हमने देखा कि ये बहुत अच्छे आसान तरीके से सारे क्वेश्चन को डील किया, सॉल्व किया, और बहुत नए नए चीज़ भी यहाँ पे सीखने को मिला आपको। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड से, और सब्सक्राइब करो, और इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े हैं, आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोज मिलते रहेंगे। Wish you all the best.